गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था इक्विसिटम, जिसमें अपने ने उसकी इंटरनोड की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस की। इंटरनोड की इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद में अपने उसमें ज्यूरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक करेक्टर भी उपलब्ध होते हैं या पाए जाते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इक्विसिटम के स्टेम में, इक्विसिटम के इंटरनोड में हाइड्रोफिटिक एंड ज्यूरोफिटिक लक्षण। इक्विसिटम के जो स्टेम की इंटरनोड है उसके अंदर ज्यूरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो अपन एक तरफ यहाँ पे ज्यूरोफिटिक लिख लें, ज्यूरोफिटिक, और इसके दूसरी तरफ हाइड्रोफिटिक। जलोद्भिद और ये मरुद्भिद। जलोद्भिद और मरुद्भिद लक्षणों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन मरुद्भिद लक्षण की बात करें तो इक्विसिटम के स्टेम की इंटरनोड के अंदर जो है उभार और खांचे पाई जाती हैं वो ज्यूरोफिटिक करेक्टर को दर्शाती हैं। तो पहला पॉइंट इसका, उभार यानी रिज व खांचे ग्रुप। पाई जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें, धंसे हुए स्टोमेटा रंध्र उपस्थित होते हैं, उपस्थित। पहला करैक्टर इसका क्या है कि इसमें उभार और खांचे जो है वो उपस्थित होती हैं। दूसरा, इसमें रंध्र धंसे हुए रहते हैं। तीसरा कि इसकी एपिडर्मिस पर क्यूटिकल उपस्थित होती हैं, एपिडर्मिस पर क्यूटिकल प्रेजेंट, यानी एपिडर्मिस पर क्यूटिकल उपस्थित होती हैं। इसके अलावा इसकी भित्तियों पर सिलिका का निक्षेपण पाया जाता है। क्या होता है? इसकी भित्तियों पर सिलिका का निक्षेपण पाया जाता है। तो इसकी एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती हैं और साथ में इसकी एपिडर्मिस के अंदर जो है सिलिका का निक्षेपण भी पाया जाता है। चौथा पॉइंट, इसके आउटर कॉर्टेक्स में, आउटर कॉर्टेक्स बाह्य वल्कुट में स्क्लेरेनकाइमेटस व क्लोरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस तथा क्लोरेनकाइमेटस
की उपस्थिति, यानी इसमें दृढ़ोतक और हारितोतक की उपस्थिति जो है वो जीरोफिटिक करेक्टर को दर्शाती है। लास्ट पॉइंट इसका कि इसमें सुविकसित वैस्कुलर सिलेंडर उपस्थित होते हैं, सुविकसित वैस्कुलर सिलेंडर उपस्थित संवहन सिलेंडर उपस्थित होते हैं। ये इसके सभी जीरोफिटिक करेक्टर है कि इसके अंदर उभार और गर्तें पाई जाती है जो कि जीरोफिटिक का करेक्टर है। इस पर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की उपस्थिति और सिलिका का निक्षेपण, ये भी जीरोफिटिक करेक्टर है। इसके आउटर कॉर्टेक्स में दृढ़ोतक और हरितोतक की उपस्थिति, ये भी जीरोफिटिक करेक्टर है। और इसके अलावा इसमें सुविकसित वैस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं और साथ में रंध्र धंसे हुए होते हैं। ये सभी करेक्टर जो है वो किसके हैं, ये जीरोफिटिक करेक्टर है। अब इधर अपने पहला हाइड्रोफिटिक करेक्टर देखें तो हाइड्रोफिटिक के अंदर कॉर्टेक्स में बड़े अंतरकोशी के अवकाश की उपस्थिति जो है ये हाइड्रोफिटिक का करेक्टर है। कॉर्टेक्स में बड़े अंतरकोशी के अवकाश उपस्थित जो किस रूप में पाए जाते हैं, वेलिकुलर कैनाल के रूप में उपस्थित होते हैं, जो वेलिकुलर कैनाल के रूप में प्रेजेंट, वेलिकुलर कैनाल के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा करैक्टर यह है कि इसमें जाइलम जो होता है वो अल्प विकसित होता है और ये अफासित होकर क्या बनाता है, कैरिनल कैनाल बना देता है। तो इसमें जाइलम अल्प विकसित तथा हासित होकर कैरिनल कैनाल बनाता है। और तीसरा कि इसके सेंटर में जो मज्जा गुहिका होती है वो उपस्थित होती है, तो सेंटर में पिथ कैविटी या खोखली गुहा केंद्र में खोखली मज्जा गुहा यानी पिथ कैविटी प्रेजेंट, पिथ कैविटी उपस्थित। तो ये सभी करैक्टर जो है इसके हाइड्रोफिटिक करैक्टर को दर्शाते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित होती है जो कैरिनल कैनाल और वेलिकुलर कैनाल के रूप में पाई जाती है, जिसमें गैस भरी रहती है, हवाएं भरी रहती है, जिसके कारण पादप पानी में आसानी से तैर सकता है। इसके अलावा इसमें जो ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है उसके अंदर सेंटर के अंदर खोखली मज्जा गुहा या पिथ कैविटी पाई जाती है जो कि जड़ोद्भिद का मुख्य लक्षण है। तो ये सारे करैक्टर इंट्रनोड के अंदर उपस्थित हाइड्रोफिटिक और जीरोफिटिक करैक्टर को दर्शाते हैं। अब अपन इंट्रनोड के बाद में अपन बात करते हैं नोड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसीटम नोड, इक्विसीटम नोड, इक्विसीटम
के तने की पार्व संधि की आंतरिक संरचना अब इसके बारे में आज अपना जो मेन टॉपिक है वो यही है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो नोड है ये इसकी आंतरिक संरचना भी इंटरनोड के जैसी की जैसी होती है। इसकी आंतरिक संरचना इंटरनोड के समान इसकी आंतरिक संरचना जो है इंटरनोड की आंतरिक संरचना के जैसी ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके अंदर इसमें भिन्नता पाई जाती है, लेकिन कुछ लक्षणों में यह इंटरनोड से भिन्न लक्षण दर्शाते हैं। तो इसमें भिन्न लक्षण कौन कौन से होंगे कि सबसे पहला पॉइंट है कि इसके अंदर जो खोखली गुहा पाई जाती थी वो खोखली गुहा न होकर इसके अंदर एक ठोस डायफ्राम के रूप में जो केंद्रीय भाग उपस्थित होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें खोखली गुहा न होकर एक ठोस डायफ्राम के रूप में जो इसका केंद्रीय भाग है वो खोखली गुहा के रूप में न होकर ठोस डायफ्राम के रूप में है। इस डायफ्राम को पार्व संधि डायफ्राम कहा जाता है, जिसे पार्व संधि डायफ्राम यानी नोडल कहा जाता है, नोडल डायफ्राम कहा जाता है, जो दो उत्तरोत्तर इंटरनोड को एक दूसरे से अलग करती है, या दो उत्तरोत्तर इंटरनोड के अंदर एक दूसरे को अलग रखती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि इसके जो कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स के अंदर वेलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल जो है वो एब्सेंट होते हैं। क्या होता है कि इसमें या इसके कॉर्टेक्स में वेलिकुलर कैनाल एब्सेंट। तीसरा, इसके कॉर्टेक्स में कैरिनल कैनाल एब्सेंट। कैरिनल कैनाल अनुपस्थित होती हैं और वेलिकुलर कैनाल एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें वेस्कुलर बंडल जो है वो आपस में संयुक्त होकर एक संपूर्ण सिलेंडर का निर्माण करते हैं, चौथा पॉइंट कि इसमें वेस्कुलर बंडल या संवहन पुल संयुक्त होकर संपूर्ण
वैस्कुलर सिलेंडर समान सिलेंडर बनाते हैं। तो इसके अंदर समान फूल जो होते हैं वो सभी के सभी एक साथ इकट्ठे होकर वैस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक सतत वलय के रूप में डायफ्राम को घेरे हुए रहते हैं, जिसमें जाइलम व फ्लोएम एक सतत वलय के रूप में, कंटिन्यूअस रिंग के रूप में, सतत वलय के रूप में को घेरे रहते हैं, यानी जाइलम के चारों ओर, सॉरी फ्लोएम जो है ये इस तरह से जाइलम और फ्लोएम जो है ये इसको घेरे हुए रहते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट कि इसके अंदर लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस जो है उपस्थित होते हैं, जो उभारों और गर्त के सामने स्थित होते हैं। पांचवा पॉइंट इसका क्या है कि इसमें लीफ ट्रेस परणविदर व शाखाविदर ब्रांच ट्रेस, लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस उपस्थित होते हैं, उपस्थित जो उभार व गर्त या खांच के सामने स्थित। तो ये इसके करैक्टर हो गए कि सबसे पहले इसमें खोखली वलय जो है, सॉरी खोखली गुहा जो पाई जाती है सेंटर में, पिथ कैविटी, वो न होकर इसके अंदर ठोस डायफ्राम के रूप में ये उपस्थित होता है वैस्कुलर बंडल। इसके अंदर वैस्कुलर बंडल संयुक्त होकर एक वलय का निर्माण करते हैं, ये वलय जो है वो पूरे डायफ्राम को घेरे हुए रहती है, और इसमें जो दो इंटरनोड होते हैं उन दोनों इंटरनोडों को अलग करने के लिए ये डायफ्राम जो है वो उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप, सॉरी ब्रांच ट्रेस दोनों उपस्थित होते हैं। तो आइए अब अपन इसका डायग्राम देखते हैं कि इसमें इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। डायग्राम ऑलमोस्ट वही है जो कल अपने ने बनाया था, थोड़ा सा उसमें अंतर होगा। तो सबसे पहले अपन ये सेंट्रल पार्ट को बनाते हैं। इस सेंट्रल पार्ट के चारों ओर क्या उपस्थित होता है, ये डायफ्राम के चारों ओर उपस्थित जाइलम और फ्लोएम है, और इसके बाद में इसके चारों ओर यहाँ पे ये लीफ ट्रेस जो है वो उपस्थित होते हैं। ये लीफ ट्रेस इसमें उपस्थित होते हैं। अब इसके अंदर
ये इसमें लीफ ट्रेस है। अब इसी के साथ में इसके अंदर ब्रांच ट्रेस भी उपस्थित होते हैं जो कि इस तरह से ये उपस्थित होते हैं। ये ब्रांच ट्रेस है और ये पूरा का पूरा जाइलम है जो कि डायफ्राम को घेरे हुए रहता है, और जाइलम के चारों ओर ये यहाँ पे फ्लोएम उपस्थित होता है। ये फ्लोएम उपस्थित होता है और इसके बाद में ये चारों ओर ये इसका स्क्लेरेन्काइमेटस क्षेत्र जो है वो उपस्थित होता है। तो ये तो रेजिया उभार हो गए, ये ग्रू हो गया, इसके बाद में ये एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हो गए, ये स्क्लेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स हो गया, ये क्लोरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स हो गया, ये जो है वो पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स हो गया, इसके बाद में ये जो है ये लीफ ट्रेसेज हो गई, और ये जो है ये ब्रांच ट्रेस हो गए, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, और ये सेंटर में इसके डायफ्राम हो गया। सेंटर में इसके क्या होता है, नोडल डायफ्राम उपस्थित होता है। तो ये टीएस ऑफ इक्विसिटम नोड की नोडल डायफ्राम हो गया और डायग्राम हो गया टीएस ऑफ इक्विसिटम नोड। इक्विसिटम नोड का ये इस तरह से अपन टीएस काट के देखते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट जो है स्टेम था। स्टेम के अंदर अपने दो पॉइंट लिए थे, एक तो इंटरनोड और दूसरा नोड। इन दोनों के बारे में, इन दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिस्कस कर ली। अब स्टेम के बाद में अपना पहला पॉइंट था रूट, दूसरा था स्टेम, और तीसरा अपना राइजोम। प्रकंद
राइजोम के बारे में अपन इक्विसिटम राइजोम के बारे में डिस्कस करें, तो इक्विसिटम राइजोम की आंतरिक संरचना हूबहू स्टेम के जैसी है, वायवीय प्रोभ के जैसी है, एरियल जो सूट होता है उसके जैसी होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ लक्षण जो है राइजोम के इसमें भिन्न होते हैं कि इसमें उभारे और खांचे बहुत कम होती हैं, एपिडर्मिस पर रंध्र एब्सेंट होते हैं। राइजोम की आंतरिक संरचना वायव्य परहो के समान, लेकिन कुछ लक्षणों में भिन्न। जैसे पहला लक्षण इसका क्या हो गया कि इसमें उभार व खांचे बहुत कम, खांचे कम। दूसरा, एपिडर्मिस पर रंध्र या स्टोमेटा एब्सेंट, रंध्र या स्टोमेटा इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है या आउटर कॉर्टेक्स है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स जो है वो अल्प विकसित होता है। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या आ गया, स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स अल्प विकसित, इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स जो है वो अल्प विकसित होता है। क्लेरेनकाइमेटस जो कॉर्टेक्स है वो इसमें एब्सेंट होता है। चौथा पॉइंट क्या है, क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स एब्सेंट, तो क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स इसमें अनुपस्थित होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो वेलिकुलर कैनाल है, कैरिनल कैनाल है और सेंट्रल कैनाल है, वो सभी के सभी अल्प विकसित होते हैं। तो पांचवा पॉइंट क्या है, वेलिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल, सेंट्रल कैनाल आदि अल्प विकसित। तो ये सारे करैक्टर जो है इसके राइजोम के हैं। बाकी इसकी संरचना जो है हूबहू नोड और इंटरनोड के जैसी संरचना के रूप में, इसके अंदर भी नोड इंटरनोड उपस्थित होते हैं और इसकी संरचना बिल्कुल वैसी होती। अब लास्ट पॉइंट इसका है, पहला इसका रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा राइजोम, चौथा इसका लीफ। इक्विसिटम की लीफ जो है वो स्मॉल लीफ के रूप में इसमें पाई जाती है। इसकी आंतरिक संरचना जो है वो अत्यधिक सरल होती है। आंतरिक संरचना अत्यधिक सरल, इक्विसिटम लीफ की आंतरिक संरचना जो है वो अत्यधिक सरल होती है और इसके अंदर जो ऊपरी और निचली एपिडर्मिस होती हैं, ऊपरी वे निचली एपिडर्मिस के बीच में पर्ण मध्योतक यानी मेसोफिल जो है वो अविभेदित होता है, पर्ण मध्योतक जो अविभेदित होता है, पर्ण मध्योतक जो है वो अविभेदित होता है और इसमें एक मध्य सिरा पाई जाती है और मध्य सिरा में जो स्वन पुल उपस्थित होते हैं वो मध्य आदिदारुक के रूप में पाए जाते हैं। मध्य सिरा उपस्थित, वैस्कुलर बंडल मध्य आदिदारुक रूप में। तो ये इक्विसिटम के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आज कंप्लीट होती है अपनी। इसी के साथ आज का अपना टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।